दोस्तों नमस्कार, मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर आ गया हूँ। आजकल जैसे कि गर्मी हो गई है और सोलर पैनल का चलन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो सोलर पैनल ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है हमारी वो सॉल्व भी कर दी हैं। तो आज मैं एक अलग ही प्रोजेक्ट लेकर आया हूँ। इसमें आप 8,500 रुपये में आप दो पंखे, 4 LED बल्ब और 1 TV बहुत ही आराम से चला सकते हैं। ये सेटअप अगर आपको लगाना है तो इस सेटअप के लिए आप, अगर आपके पास कोई एक सिंगल कमरा है और आपके पास बिजली का कनेक्शन नहीं है, तो इससे आप दिन रात आप इसको चला सकते हैं। या कोई आपकी कोई शॉप है, 10x10 की कोई शॉप है, तो उस पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और जैसे मैंने बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस देखी हैं, उनमें बताया गया है कि आप 10,000 रुपये में, 12,000 रुपये में, लेकिन किसी में बैटरी को ऐड नहीं किया गया है, किसी में इन्वर्टर को ऐड नहीं किया गया है। लेकिन इस 8,500 रुपये की कॉस्ट में मैंने बैटरी को भी इंक्लूड किया है, इन्वर्टर को भी इंक्लूड किया और सोलर पैनल को भी इंक्लूड किया है। तो हम वो कैसे करेंगे, मैं आपको एक दिखा देता हूँ। तो मैं कॉस्टिंग के हिसाब से अगर बात करूं, एक 12 वोल्ट और 165 वॉट का पैनल लगभग 4.5 के आसपास आपको इजीली मिल जाता है। और इसके अलावा एक बैटरी की बात करें हम, जैसे हमारे पास एक कोई कार बैटरी है, जीप बैटरी है, जो छोटी बैटरीज होती हैं हमारी, वो बैटरी आपको, ये जैसे कि ये मैंने ली हुई है, ये बैटरी कार की बैटरी है, ये बैटरी भी आपको आराम से 3-3.5 हज़ार रुपये में मिल जाती है। और एक जो UPS की बात करें, UPS जो पहले कंप्यूटर्स के लिए यूज़ होते थे, छोटे वाले UPS, आजकल तो इनका यूज़ नहीं होता है। ये UPS मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये UPS आपको कबाड़ी वाली शॉप से कहीं से भी आराम से 200-300 रुपये में मिल जाएगा। यानी अगर सारी हम कॉस्ट को अगर हम जोड़ दें तो सारी लगभग 8-8.5 हज़ार रुपये में ही तैयार हो जाती है। तो इससे हम आसानी से आप बैटरी चार्ज कर सकते हैं, और बैटरी चार्ज करके इससे, और ये जो UPS है लगभग 400 से 450 वॉट का लोड ले लेता है। और ये किसी आम कन्वर्टर जो आप मार्केट में मिल जाते हैं, 12 वोल्ट टू 200 वॉट, ये जो नॉर्मल कन्वर्टर है, उनसे बहुत ज़्यादा बेहतर है और बहुत अच्छा वर्क भी करता है। हीटिंग भी बहुत ज़्यादा इसमें नहीं होती है, तो आप इसको ले सकते हैं। और ये आपको उसके बजाय बहुत सस्ता पड़ता है, 200-300 रुपये में आपको इजीली मार्केट से ये किसी भी कबाड़ी शॉप से आपको मिल जाएगा। और इसका सर्किट कैसे, इसको इस सर्किट को इन्वर्टर में कन्वर्ट करना है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको इसको कन्वर्ट करना है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिए, मैं आपको बता दूंगा इस UPS को आप एक नॉर्मल इन्वर्टर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं।